पेटी पे, इसलिए कभी घमंड मत करना, शरीर नाशवान है, एक पल का भी भरोसा नहीं है। हाँ, मैं गांव से निकला, लगभग 850 किलोमीटर, रास्ते में दो जीवनदान मिले, क्या पता पहले जीवनदान में निकल जाता, एक पर्दा यही रह जाता, या फोटो में भी माड़ा होती, एक पल का भी भरोसा नहीं है। इसलिए उस भगवान को याद करते रहे, परमपिता परमात्मा को, जिसकी कृपा से हमें ये बहुत सुंदर रूप शरीर मिला है, उसको दिन में 50 बार 100 बार जब भी टाइम मिले भगवान को याद करते रहे, प्रभु तेरी माया है और तू जाने तेरा ये काम दाम जाने, बस मैं तो तेरा सेवक हूँ, जो वक्त मुझे मिलेगा मैं तेरा नाम लेता रहूंगा। बहुत सुंदर रचना, गणेश वंदना गुरु वंदना के साथ भाई मुकेश जी वैष्णव नागौर की धन्य धरती से अपने बीच में आके शुरुआत की उसी कड़ी में एक गुरु वंदना, उसके बाद में और बहुत सारे भजन आपके सामने पेश करेंगे, लेकिन सबसे पहले गुरु वंदना, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़े हैं गुरु, अगर गुरु है तो सब कुछ है, अगर गुरु नहीं है तो बिल्कुल अंधेरा, पैसे लाखों हैं अलमारी में लेकिन गुरु नहीं है तो पैसे लगाओगे कहाँ, गाड़ियां 1000 है आपके पास लेकिन गुरु नहीं है तो चलाओगे कहाँ, भोजन 1000 तरह का सामने पड़ा लेकिन गुरु नहीं है तो खाओगे कहाँ, बिछौने लाख रुपया पड़िया, बहुत बड़ा बड़ा पिलंग है, सोफा सेट है, ऊपर रजाई पतना बिछौड़ा है, लेकिन गुरु ने तो नींद कहाँ से लोगे, सब काम पैसों से नहीं होगा, पैसों से पुस्तक मिल सकती है ज्ञान नहीं मिलता, पैसों से चश्मा मिल सकता है आंखें नहीं मिलती, पैसों से आदमी मिल सकता इज्जत नहीं मिलती, पैसों से कपड़ा मिल सकता चरित्र नहीं मिलता, पैसों से पलंग मिल सकता नींद नहीं मिलती, पैसों से गाड़ी मिल सकती है आराम नहीं मिलता, पैसों मूर्ति मिल सके भगवान को मिले, मूर्ति लाखों रुपया के लिए हो घर में पंचमुखी बालाजी सप्तमुखी महादेव जी, लेकिन भगवान को कहां से लाओगे, भगवान को तो अंदर से ढूंढना पड़ेगा, पैसों से दर्पण मिल सकता कांच आईना ग्लास, लेकिन उनिया रोगटो ले आओ थोबड़ो, मारवाड़ी में क्या करे थोबड़ा, हिंदी में कहे फेस चेहरा, अंग्रेजी में कहे फेस, अब चेहरा तो अपना खराब है, बोले नहीं कांच खराब, कांच खराब नहीं है तेरी तेसीस खराब है, बेल्ट करा कटे ले जा रहे विजयनगर में। हाँ, तो सब काम पैसों से नहीं होता, और कई कई लोगों के पैसों को घमंड घनी खुमारी चढ़ी उड़ी है, मानो मारो निवेदन है, मैं लाइव भी देख रहा घना भी जुड़ा घर बैठा बैठा देख रहा, पैसा घमंड कभी मत करना, क्योंकि पैसा पैसा तो राजा रावण के पास बहुत अमोलक माया थी, लेकिन ऐसा समय आया आप तो गया गया पूरे राशन कार्ड को लेके गया, ये थी राजा रावण की कंडीशन, बहुत विद्वान पुरुष था लेकिन उसके घर में धर्म नहीं था, धर्म नहीं था तो धन तो गया, लक्ष्मी भी साथ चली गई, पैसा घना लोगों का है लेकिन, और बहुत बड़े बड़े पैसों वालों को मैंने 2 साल में देख लिया, 2020 और 2021 में, जो बोलते थे हम तो रजनीगंधा खाते हैं वो आगे तानसेन पर, जो बोलते थे हम गोल्ड फ्लैग पीते हैं वो आगे ओटू बीड़ी पर, ये हकीकत है, जो बोलते थे हम एरोप्लेन में अपडाउन करते हैं पूना बेंगलोर मद्रास से, एरोप्लेन से नीचे नहीं उतरते उनको, उन लोगों को मैंने देखा है तेल वाले टंकर में घुस घुस के घर आ गए, अरे गांव ले ले करोड़ आ गया, कई लोग तो बजरी वाले डंपर में घुस के आ गए, कई ट्रेलर में तिरपाल के नीचे घुस के आ गए, उनकी एरोप्लेन धरी रहेगी साहब, इसलिए पैसों का कभी घमंड मत करना, पैसे हैं तो उसके लगाने के 4 मार्ग है, गौदान कबूतरदान ब्राह्मण दान और कन्यादान, ये 4 जगह पे आप पैसा लुटाओ सदनो, एक दिन में 4 गुना डबल भी आकर, 100 लुटाओ 400 लो, 1000 लुटाओ 4000 लो, शास्त्रों का प्रमाण है, इसलिए पैसे को पैसे की जगह यूज करें, महात्माओं ने कहा तुलसी संसार में धारा देखी दो, अरे धन चाहे तो धर्म करो मुक्ति नाम से, यदि आपको धन चाहे तो धर्म करना सीखें, आप ज्यादा से ज्यादा धर्म करें, मेरे पास कुछ नहीं है लेकिन मैं मेरी बोली से धर्म करवाता हूं, अपनी भाषा पवित्र है तो लोग लाखों रुपए धर्म में दे देंगे, कल हमारा परसों हमारा जागरण था, यहाँ चश्मदीद गवाह भी बैठे होंगे खजवाला से आए, जोधपुर के पास में जजीवाल धोरा में जागरण था, लोगों ने सोचा ही नहीं होगा कि इतना पेमेंट इतना गौदान कैसे आएगा, आएगा भी नहीं, लास्ट 2 लाख आने वाला है, लेकिन गौदान की राशि आई 1,98,00,000, एक रात में 1,98,00,000, जहां लोगों ने शर्तें लगाई थी 2 लाख से ज्यादा रुपया भी नहीं आएगा, लेकिन देने वाले आप हैं, हम तो केवल मांगने वाले हैं, यार मांगने वाला भी सजनों मजबूत चाहिए, क्योंकि जिसका कटोरा फूटा हुआ रहेगा ऊपर से डालोगे तो नीचे गिर जाएगा, कटोरा भी मजबूत चाहिए मांगने वाले का, इसलिए देने वाले आप हैं, मांगने वाले हम हैं, और जागरण आज गौ माता का है, हमें बुलाया गौ माता के लिए है, धन्यवाद आपका।
सरदारपुरा बीका से भक्त पधारे, 1000 रुपए का इनाम दिया है दूध पीने के लिए, लेकिन ओम डिगणा इनाम केवल आपकी तालियों का लेता है, ये 1000 रुपए मेरी गौ माता के लिए, और ये भी गौ माता आपके गाँव की, इस लोनेवाड़ा की गौशाला में जाएंगे ये 1000 रुपए। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि कलाकार कभी मरता नहीं, उसे जिंदा दफनाया जाता है, यार कब्र खोद के भी बाहर निकालो तो तालियों की तलाश में नजर आता है। बस मुझे केवल आपका आशीर्वाद चाहिए साहब, और ये गाड़ी केवल आशीर्वाद से चलने वाली गाड़ी है। महीने में 8-8 जीवनदान मिले, खाली आपके आशीर्वाद कारण मेरी माता बहने बैठी आशीर्वाद देती है तभी ये गाड़ी चल रही है। ज्यादा उम्र नहीं है, 29 साल की उम्र है, और 29 साल में लगभग 125 क्रॉस कर लिए जीवनदान, 125 जीवनदान मिल चुके हैं, लेकिन अब मेरा संवरिया साथ है, आप लोगों का आशीर्वाद साथ है, अब कुछ बिगड़ने वालों नहीं है, क्योंकि शास्त्रों में लिखा जाको राके साइया, अरे मार सके ना कोई, अरे माड़ में बंका कर सके सो जुग बेरी, आपका आशीर्वाद है, मेरी गौ माता साथ है तो कोई दिक्कत नहीं आवे। 5-7 मिनट थोड़ी तकलीफ है ली आपने, सिर्फ 7 या 10 मिनट लास्ट तकलीफ आवेला पासा, 10 मिनट के बाद में मेरा फोल्डर वो खुल जाएगा जो गंगानगर में चलता है, पहले मेरा फोल्डर चलेगा 2019 RJ21 और RJ22, फिर चलेंगे हम RJ13 में, डायरेक्ट एंट्री होगी हमारी, क्योंकि बीच में एक बॉर्डर और आता है बीकानेर। हाँ 15 मिनट का थोड़ा टाइम लेंगे आपका, फिर मैं आपके बीच में घुल मिल जाऊंगा, थोड़ी तकलीफ आती है क्योंकि नया एरिया होता ना इसलिए। अरे वैसे भाषा तो सबको समझ में आती है, जिन्होंने इंदिरा गांधी नहर का पानी पिया सबको भाषा तो समझ में आनी आनी है, मैं भी पीता हूँ महीने में 4-5 बार। आज मेरे सतगुरु आंगन आए मैं बारी जाऊँ, बहुत बड़ी कृपा हुई है गुरुदेव की। अब कई मन में सोचता बेला गुरु की कृपा कभी सजनो, कृपा बिना दो चीज नहीं मिले, ये धरती पर सब चीज मिले बिना कृपा, कृपा बिना दो चीज नहीं मिलती, एक तो भजन और एक भोजन, ये दो चीज कृपा से मिलती है। फोन में 1,00,000 रुपया को बैलेंस है, इसमें कोई कृपा नहीं है, शरीर पर लाखों का कपड़ा मेंटेन किया कोई कृपा नहीं है, लाखों की गाड़ी आपके पास है होगी रहेगी होगी और रही थी उसमें कोई कृपा नहीं, कृपा है भोजन और भजन में। हजारों लाखों लोगों को निमंत्रण दिया कि आज को जागरण है 30 PS में लोनेवाला में, लेकिन सब नहीं पहुंच पाए क्योंकि जिनकी कृपा थी वही पहुंचे। और भोजन, भोजन भी कृपा से मिला करे, थाली में भोजन पड़ियो बस जीवन की तैयारी है, 1 सेकंड को टाइम है जीवने वाला। हाँ जे निवालो तोड़ियो मुंडे में लेनो शुरू करो, घर का टेलीफोन आया, हेलो कहां से बोल रहे हो, बोले घर से, क्या कर रहा, बोले भोजन कर रहा, अरे क्या भोजन कर रहा है, पता तेरे को क्या हुआ, बोले हाँ अरे फलाने राम का एक्सीडेंट हो गया चौराहे पे, बहुत ज्यादा खून बह रहा और हाथों हाथ वो निवालो हाथ मुंह छोड़ दियो, कृपा नहीं है भगवान की तो नहीं जी पाए, और भोजन छोड़ के वहां भागना पड़ा, इसलिए कृपा भगवान का भोजन मिला करे, कृपा भगवान का भजन मिला करे, इसलिए सांवरिया को याद करें आप 24 घंटे, हे प्रभु हे नाथ हे मेरे नाथ मैं तेरे को ना भूलूं, बस तू मेरा मैं तेरा, और कुछ भी गलत नहीं होने देगा साहब, यदि विश्वास है घट में तो। भगवान कृष्ण ने गीता में स्पष्ट लिखा है तू मोहे कहां ढूंढत फिरे बंदा, मैं हूं तेरे पास में, अरे ना बैठो मैं मथुरा में, ना बैठो मैं कैलाश में, ना बैठो मैं पाताल में, ना बैठो आकाश में, हे अगर दिल में सच्चा विश्वास तो बंदा आज भी मैं तेरे, आज भी मैं तेरे पास में, अपने पास में भगवान बैठे है। देखो भगवान का रूप अपने कहने नर और नारायण दोनों बैठे है, नर भी है और नारायण भी है, हम नारायण कौन, नारायण का प्रवचन शब्द भगवान ईश्वर प्रपिता परमात्मा नारायण, नारायण का दूसरा रूप है नर, और नर, नर को नाम है आदमी मिनक, और मिनक ने तो मोटो पावर, इतो ज्यादा पावर है कि विष्णु भगवान ने भी एक बार मिनक नो पूछने के लिए आना पड़े, बोल तेरी रजा क्या, अपने कर बहुत बड़ा पावर है साहब, आप अच्छा वजह कर सका, कर सका ना, कर सका ना, अब तो पावर है अपना कने, अब कई मन में सोचता है मारकर पावर कौन है, 2 तानसेन की बुढ़िया तो उनका पावर इतना ही था शुक्र जीते, बाकी आदमी आदमी चाहे 5 साल की सरकार गिरा सके साहब, अपने कर बहुत बड़ा पावर है, आप अच्छा हो तो एक रात में तख्ता पलट, इसकी जगह ये है इसकी जगह ये है, बहुत ज्यादा पावर है अपने पास में, लेकिन उस पावर को अपन भूल चुके हैं, भी पावर ने आप भूल चुके तब जाके ये बैनर लगाने की नौबत आई है साहब, अपने पास पावर को हम खो दिया, लेकिन अब खोना नहीं वापस जगाना उस पावर को, बस मैंने तो एक दृढ़ संकल्प लिया कि जब तक मेरे अंदर सांस रहेगी मैं मेरे भाइयों को मेरे गौ माता के भक्तों को हमेशा जगाता रहूंगा, ये अब धीरे धीरे पर्दे लगाना बंद करवाऊंगा, कब तक एक शाम गौ माता के नाम पर्दे लगा के जागरण देते रहेंगे,
कितने समय तक भारत में ऐसे पर्दे लगाएंगे, कितने चौराहे पर पर्दे लगाएंगे, कब तक कलेक्शन इकट्ठा करके गौ माता को ऐसे बचाते रहेंगे? अब वापिस वो समय लाना पड़ेगा, गौ माता को घर घर में लाना पड़ेगा, तब जाके ये पर्दे लगाने बंद हो गए, तब जाके मेरी गौ माता आराम से सुरक्षित महसूस करेगी। बाकी गौशाला में गौ माता सुरक्षित है लेकिन बहुत कम, केवल व्यवस्था है सुरक्षित नहीं है। इसलिए थोड़े समझे साहब, मेरा काम भजन गाने का नहीं है, ना मैं कोई गायक हूं और ना मैं कोई नायक हूं, मैं सिर्फ एक गौ माता का सेवक हूं। शायद हो सके भगवान परमपिता परमात्मा ने मुझे भेजा इसीलिए, जाओ और जो तेरे पास कला दी है प्रभु ने उसका यूज करो, आप अच्छे कर्म हो। मैं भी चाहता तो लाख दो लाख का पेमेंट ले सकता, रात को चार पांच दस गाड़ी आगे ला घुमा सकता, लेकिन नहीं, बस मुझे केवल उस जितना दिया मालिक ने मुझको, जितना दिया मेरे मालिक ने मुझको, उतनी मेरी औकात नहीं। ये तो कर्म है मेरी गौ माता का, उसमें कोई दूसरी कोई बात नहीं। इसमें भगवान परमपिता परमात्मा ने बैलेंस दिया है, मैं चाहूंगा मेरा बैलेंस कहीं दूसरी जगह ना यूज करके उसको मेरी गौ माता के भक्तों के सामने यूज करूं, ताकि मेरे जैसे एक दो दस पंद्रह बीस पचास सौ दो सौ ओम प्रकाश हर गांव में खड़े हो जाए, तो फिर कोई मुझे 800-900 किलोमीटर कहीं घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर गांव में एक 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 भक्त खड़े हो जाएंगे, गौ माता के लिए आधी रात को रवाना हो जाएंगे। इसलिए थोड़ा विचार करें, भजन भी करते रहें, दान भी करते रहें, सेवा भी करते रहें, लेकिन समझना हम सबको पड़ेगा। इसलिए मेरी गौ माता को बचाने का समय आ गया है, यदि अब नहीं तो फिर कब नहीं, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। कोई नहीं बोलेगा आपको, कोई किसी को पीड़ नहीं है, किसी को कोई जरूरत भी नहीं है। हजारों आए, हजारों धरती छोड़ के चले गए, आज हजारों के फोटो पर माला टंगी हुई है, कोई किसी को पीड़ नहीं है, किसी से कोई लेना देना नहीं है। बस अपना काम हुआ, 4 बजे रवाना। ना मेरा काम तालियां बजवाने का है, ना मेरा काम आपसे ज्यादा कोई जयकारे लगवाने का। मेरा उद्देश्य है वो जो मुझे व्यक्तिगत जानते हैं उनको पता होगा कि इस बच्चे का उद्देश्य क्या है। जो मुझे व्यक्तिगत जानते हैं उनको पता है मैं गायक नहीं हूँ, नायक नहीं हूँ, सिर्फ गौ माता का पुत्र हूँ। क्योंकि मैं सब जब 1.5 साल का था उस समय मेरी माँ इस दुनिया छोड़ के चले गए, लेकिन मैं जब समझने लगा कि माँ क्या होती है, उस दिन से मुझे एक ही मन में निश्चय हुआ, एक ही मेरे मन में प्रश्न हुआ कि अब जीना है चाहे मरना है तो मेरी माँ के लिए नहीं, मेरी गौ माता के लिए। मैंने वो मार्ग चुन लिया, बस अब मरूंगा तो भी गायों के लिए ही मरूंगा। यदि शरीर भी काम आएगा मेरा तो मेरी गौ माता के लिए ही काम आएगा, क्योंकि मेरा नियम है मैं रहूं ना रहूं मेरा देश रहना चाहिए, अरे मैं बचूं ना बचूं मेरी गौ माता बचनी चाहिए। बस एक आपसे विनती करने के लिए आया हूं। और आपने सुना भी होगा सोशल मीडिया के माध्यम से गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करवाने के लिए जो हम गौ क्रांति आंदोलन कर रहे हैं दिल्ली में 7 नवंबर 2021 को, हम सबको वहां गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करवाने के लिए एक दिन का समय लेने के लिए आपको बोलने के लिए आया हूं। 7 नवंबर को दिल्ली चलना, एक दिन के लिए मेरी गौ माता के लिए, अपनी गौ माता के लिए चलेंगे ना, क्या बात है, क्या बात है। वहां कोई नरेगा का हफ्ता मिलने वाला नहीं है, गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करवाने का एक आंदोलन है। उस आंदोलन में आपको बहुत सारी भागीदारी निभानी एक दिन में, क्योंकि मैंने प्रश्न किया वहां दिल्ली में बैठे उन गौ भक्तों से, एक प्रश्न किया कि कई लोगों ने मेरे को व्यक्तिगत बोला तुझे क्या पीड़ है, क्यों ये पंगा ले रहा, ले लिया जो शुरू कर दिया, आग लगा दी, अब पूजने नहीं देंगे, अब तो दिल्ली में जाके ही दम लेंगे। बस मेरा एक ही प्रश्न है उनसे, मेरी गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करवाने का। लोगों ने बोला क्या जरूरत है तुझे, हाँ है, यदि एक आदमी राष्ट्रपिता बन के यदि नोटों पे छप सकता है तो मेरी रोड़ों पर बैठी गौ माता भी राष्ट्र माता बन सकती है, ये मेरा प्रश्न है उनसे। यदि आप आदमी को राष्ट्रपिता कह सकते हैं, नोटों पर छाप सकते हैं, तो मेरी गौ माता को भी आप राष्ट्र माता का ठप्पा दे दीजिए, फिर देखते हैं कौन दरिंदा मेरी गौ माता पे आंख उठा के देखता है, नोच लेंगे सड़क, क्योंकि ये मजदूर का हाथ का दिया, लोहे को पिघला कर भी आकार बदल देता है। इसलिए साहब इतनी खारी बात क्या बोलो, कोई मंडी लागे कोई आयो वेला, फिर कितने जरूरत है साहब, आया थालिया बजे 5 रुपये लिया इनाम घर ले जाए मैं रवाना, लेकिन नहीं, बस भगवान ने भेजा, भगवान की दया से सब राम राज्य दो रोज की रोटी मिले, क्या टेंशन है, बस आए हो तो कुछ करके जाओ साहब। बस मैं तो मेरे सांवरिया से यही बोलता हूँ, सांवरिया अरे मार लो तो एड़ो मारी ना, मैं तो मेरे प्रभु से बोलता हूँ सुबह शाम अगरबत्ती के टाइम, एक ही बोलता हूँ मौत,
है कोई धरती पर जो मौत को याद करता नहीं करता रहे। भाव जी पुकार आएगी, वह तीन कैप्सूल भेड़ा ले।